अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के ज़बरदस्त रिस्पांस का शुक्रिया। लोग बड़ा ज़बरदस्त काम करके शेयर कर रहे हैं, खुशी हो रही है देखकर। एक्चुअली कुछ लोग फास्ट लर्नर हैं, कुछ बहुत स्लो लर्नर हैं, इतना बड़ा ग्रुप है। कुछ चाहते हैं कि उन्हें बहुत ही बेसिक से सिखाया जाए, कुछ चाहते हैं कि बहुत तेज़ चला जाए। तो मैं एक दरमियानी पेस सेट करना चाह रहा हूँ ताकि सब लोग अच्छी तरह सीख सकें। तो आप कोशिश करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को भी सिखाएं। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको कोई और नहीं बताएगा पैसे लिए बगैर, बल्कि पैसे लेकर भी इतने डिटेल से नहीं समझाएगा। आज का लेक्चर उनके लिए बहुत अहम है जो अर्न करना चाहते हैं, लेकिन अर्न करने में जल्दी ना करें। लोग रोज़ मैसेज कर रहे हैं कि हम इससे कमा कैसे सकते हैं। कमाने के लिए पहले पूरी तरह सीखना पड़ेगा। AI टूल का यही फ़ायदा है कि ये एक रेवोल्यूशन है। पहले लोग हाथ से पेंटिंग्स बनाया करते थे, चीज़ें बनाया करते थे, फिर कंप्यूटर आ गया, सॉफ्टवेयर आ गए, उनमें शुरू हो गए बनाना आर्ट। अब एक थर्ड जनरेशन है जो कि AI जनरेशन है। अब AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑटो जनरेट हो रही है, तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा। एक तो काम ईजी हो गया है, लेकिन इसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। दोनों को लेके चलना पड़ेगा। आपको अभी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी अपने काम को सही तरह से करने के लिए। तो आज का लेक्चर जो है हमारा लोगो डिज़ाइनिंग पे है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर लोगो की टाइप्स शो हो रही हैं। ये पांच बड़ी टाइप्स के लोगो होते हैं, इनको बारी बारी देख लेते हैं। लोगो एक्चुअली इस वक्त मार्केट में सबसे महंगा आइटम है सेल होने वाला। लोगो आप फाइवर पे भी और 99 डिज़ाइन लोगों पे भी सेल कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं। अपवर्क है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, उन पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन इन लोगोज़ को आप दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं डिज़ाइनिंग के, उनमें थोड़ा बहुत जैसे पिक्सल लैब है या कैनवा है, एडजस्ट करके फिर इनको सेल करेंगे। पाँच किस्म के लोगो। वाटरमार्क लोगो है सबसे पहले। वाटरमार्क एक्चुअली टेक्स्ट ओनली लोगो हैं, जो टेक्स्ट बेस्ड लोगो होते हैं उनको कहते हैं वाटरमार्क लोगो। दूसरे नंबर पे हैं पिक्टोरियल लोगो, जिसमें सिंबल्स और इमेजेस यूज होते हैं। तीसरे नंबर पर कॉम्बिनेशन लोगो हैं, जिसमें टेक्स्ट और इमेज दोनों यूज होते हैं। चौथे नंबर पर एब्स्ट्रैक्ट शेप लोगो हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से बनते हैं। और पाँचवें नंबर पर मैस्कॉट लोगो हैं, जो कि कार्टून बेस्ड लोगो होते हैं। अब हम बिंग को देखते हैं कि बिंग कैसे ये मुख्तलिफ लोगो डिज़ाइन करते हैं और किस तरह करने हैं। तो ये सबसे पहले आपको आ गया लोगो सामने। ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, वाटरमार्क लोगो ऑफ डिजिटल क्रिएटर दिया है, तो उसने ये रिजल्ट दिया है। ठीक है, इसमें मैंने वर्ड नहीं लिखा था कि वर्ड वाटरमार्क डिजिटल क्रिएटर हो, इसलिए उसने पिक्चर ही दे दी है। ठीक है, इसको मजीद ये खूबसूरत लोगो, अब इनकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में देखें, अगर जाके इन साइट्स पे जो मैंने बताई हैं फाइवर अपवर्क वगैरह, आपको इनकी प्राइस नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब मैं यही लोगो इसमें ये वाटर मार्क के बाद वर्ड डिजिटल क्रिएटर्स लिख देता हूँ। तो ये देखें, इसका ये रिज़ल्ट आया है। अब इस स्टाइल में ये लोगो बना दिया उसने। ठीक है, ये है वर्ड डिजिटल आर्ट के थ्रू। इसके बाद पिक्टोरियल लोगो की एग्जांपल है। पिक्टोरियल लोगो ये उसने बहुत ही खूबसूरत से चार लोगो, ये तीन आपको मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद जनरेट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ये आप यही वर्ड कॉपी कर लें एज इट इज़, वाटरमार्क लोगो, पिक्टोरियल लोगो, उनको मुख्तलिफ स्टाइल से डिज़ाइन करके देखें। इसके बाद पिक्टोरियल लोगो का फिर मैंने उसे प्रॉम्प्ट दिया है कि वर्ड डिजिटल क्रिएटर यूज़ करें, तो उसने ये दिए हैं कि इस स्टाइल में बन सकते हैं। अब ये आप की क्रिएटिविटी है कि आप दूसरी जो ऐप्स हैं पिक्सल लैब वगैरह, जो आप कहेंगे तो बाद में सीखेंगे, उनमें इनको अमेंड कर सकते हैं। स्टाइल उसने दे दिए हैं। अब ये लोगो है, इसके बाद कॉम्बिनेशन लोगो। कॉम्बिनेशन लोगो में मैंने उसे वर्ड का नहीं कहा, तो उसने वर्ड के बगैर ही पिक्चर लोगो दे दिया है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट एग्जांपल में हम वर्ड कॉम्बिनेशन लोगो विद वर्ड डिजिटल क्रिएटर्स दे देते हैं।
ये देखें, अब उसने वर्ड की जगह दे दी है, स्पेलिंग्स ये जो है बिंग या कोई भी इमेज क्रिएटर जो है वो नहीं देता, एक आप इसको अमेंड करके आगे सेल कर सकते हैं। यहाँ उसने जगह दे दी कि यहाँ इस तरह से अब अपना जो भी मैसेज है वो लिख सकते हैं, कंपनी का नाम वगैरह, ठीक है। और यही लोगो डिज़ाइन करने में ही लोग दिन लगा देते हैं, मुख्तलिफ जो एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, एडोब फोटोशॉप वगैरह, और आपको उसने चंद मिनट में आइडिया दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है चौथे नंबर पर एब्स्ट्रैक्ट लोगो। एब्स्ट्रैक्ट की नेक्स्ट एग्जांपल ये आपको दे रहा है, ये इसमें भी उसने जगह दे दी है, ठीक है, आप कर सकते हैं यहाँ पे अमेंड करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ये मुख्तलिफ उसने स्टाइल आपके सामने शो कर दी हैं। उससे नेक्स्ट मैस्कॉट लोगो, डिस्कस हुआ था कि कार्टूनिश लोगो होता है, ये उसने हमारे सामने जनरेट करके मैस्कॉट लोगो की एग्जांपल शो कर दी है। ये मैस्कॉट की दूसरी एग्जांपल है जो वर्ड के साथ है, कि उसने वर्ड की जगह दे दी है, मैंने यूज़ किया है प्रॉम्प्ट मैस्कॉट लोगो विद वर्ड, तो वर्ड आप यहाँ पे खुद ऐड कर सकते हैं किसी भी ऐप में जाकर। तो ये आज लोगों का एक मुख्तसर सा लेक्चर था, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें नेक्स्ट लेक्चर दिया जाए, तो मैंने एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पे आपको ये एक लेक्चर दे दिया है। आप इसकी मदद से लोगो जनरेट करें और लोगो प्रॉम्प्ट के साथ फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। मैंने आपको जो लेक्सिका ऐप डाउनलोड कराई थी उस पे ट्रेनिंग होनी थी, लेकिन आप लोगों ने उसके क्रेडिट्स ही ख़त्म कर दिए। उस अगली स्टेज पे ब्लू विलो वगैरह सीखने के लिए हमें लेक्सिका को डिटेल में थोड़ा सा सीखना था। अब एक नई ऐप, मैं उसका नाम नहीं बताता, नहीं तो आप उसको भी क्रैश कर देंगे, उसको फिर उसके लेक्चर में ही आपको उसका डिज़ाइन करके नाम भी बताऊंगा और डाउनलोड का तरीका और सारा कुछ बताऊंगा, ताकि आप एडवांस लेवल पर थोड़ा सीखें मीडियम लेवल की ऐप को, ताकि हम फिर फाइनल स्टेज पर जा सकें ब्लू विलो या मिड जर्नी की तरफ। अल्लाह हाफिज़।